बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया था और इसमें सारे जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी और हमारे जो प्रदेश कमेटी के सारे लोग आज पार्टी में सम्मिलित हुए और इस बैठक में तमाम डीएसपी को बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए हैं, जो कि प्रदेश के अंदर जो एक भय का माहौल फिर से कायम हो गया है और उस माहौल के खिलाफ ना तो बीजेपी लड़ने के लिए लड़ रही है और नहीं लड़ रही है कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी और तेजस्वी और के जो नीतीश बाबू जी की जो पार्टी है जेडीयू, ये तीनों पार्टी एक साथ और ईडी की वजह से आज फिर से प्रदेश में एक बड़ा ही डर माहौल, अराजकता का माहौल फैल चुका है, जहाँ पीने को उधर पीने को गाँव में बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों के साथ बच्चियों के साथ में उनका बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, लेकिन चारों तरफ एक जंगल राज कायम हो रहा है। तो जंगल राज के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने भी एक आप सबको मालूम है कि माननीय बहन जी ने एक अपराधी को जिसको छोड़ा गया उसके खिलाफ माननीय बहन जी ने ट्वीट भी किया था और उसके साथ में और भी तमाम अपराधियों को उसकी वजह से और भी डर का माहौल, इन सब बातों को लेकर बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता आज पार्टी के प्रदेश में बैठे हुए थे, उन लोगों ने इनसे सारी बातों पर चर्चा की है और साथ ही बीएसपी का जो संगठन है और कैसे दुरुस्त बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, पार्टी के जनाधार को कैसे बनाया जाए, इन सारी बातों को लेकर व्यापक रूप से चर्चा आज यहाँ पर की गई है और ये काम अगर आज किया गया। बीजेपी ने भी आज सरकार से एक सवाल खड़ा किया है कि बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ काफी अन्याय हो रही है, कई लोगों की हत्या हो गई है, लेकिन सरकार जो है संविधान के तहत आने वाली मुआवजा को नहीं दे रही है। जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ पार्टनर और तभी उस वक्त बीजेपी के लोग सिर्फ ड्रामेबाजी करते और आज भी ड्रामेबाजी करते, और रही बात अगर बीजेपी को पिछड़ों और अति पिछड़ों की इतनी फिक्र होती तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी तो बीजेपी ने पूरे देश में मंडल के सामने कमंडल की बात की, उस वक्त बीजेपी ने मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया। तमाम तरह के क्वेश्चन है जो बिहार के जो पिछड़ा है और दलित है जो आदिवासी है सारी बात है कि उनके कहने की बात कुछ और है और अंदर से करने की बात कुछ और है।